मुनावर किंग है, मुनावर ट्रॉफी लेके जाएगा, मुनावर ये करेगा, कहाँ से कौन सा मुनावर है ये, कहाँ जा रही हूँ? तो लग रहा है कि लोग बहुत पसंद कर रहे थे। यार सीरियसली इतना भी क्रेज होता है मुझे नहीं पता था, बट हाँ ठीक है, थैंक यू। क्योंकि मुझे, मैंने आपको पहले भी बताया है, उतना मुझे पता नहीं था, बट लोगों का इतना रिस्पॉन्स आया कि मैं दो दिन पहले देख रही हूँ, लोगों ने, मतलब लोग बोल रहे हैं मैं जा रही हूँ, आई डोंट नो। मैंने कहा मैं तो शूटिंग कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ? तो लग रहा है कि लोग बहुत पसंद कर रहे थे, तो आई डोंट नो, बोला कि कैसे चल। थैंक यू। फिर कौन बर्दाश्त करेगा मुझे? आपको लग रहा है मतलब इतनी शांत लड़की कहीं फिर से चली गई तो क्या होगा? शांति हो जाएगा ना उसमें, मुझे, अरे मुनावर को कितना प्रॉब्लम होगा मुझसे। विक्की भैया घर चलाने की कोई नहीं, मैं सपोर्ट कभी नहीं करती उनको, सपोर्ट में ठीक है, गेम खेल रहे, बट घर चलाने की बात आए तो नहीं भाई, ऐसा नहीं चला सकता कोई भी, मतलब है। हाँ देखा ना मैंने, वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो प्लानिंग का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले तो अपनी पर्सनैलिटी दिखाओ, ठीक है, गेमिंग अच्छा, किसको रहना है किसको, वही आप ही कर लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ऐसा नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपना निकाल के दिखाना चाहिए। इनफैक्ट अभी तो वो है मुनावर, मेरा तो टारगेट ही मुनावर है। मुझे ऐसा समझ में नहीं आया कि जो लोग ये बोलते हैं मुनावर किंग है, मुनावर ट्रॉफी लेके जाएगा, मुनावर ये करेगा, कहाँ से कौन सा मुनावर है ये, कहाँ का मुनावर जो ट्रॉफी लेके जाएगा? वो बिग बॉस की ट्रॉफी है, उसी को मिलना चाहिए जो उसके काबिल है। मुनावर तो अभी फिलहाल में नहीं दिख रहा मुझे, तो मुझे मुझे जब दिखेगा कि ये बंदा ट्रॉफी लायक है तो मैं डेफिनेटली बोल दूंगी जाने दो ना, कितना अच्छा इंसान है, खेला बहुत अच्छा। तो वो तो नहीं है अभी फिलहाल में। वो पता है क्या है, देखो पता है क्या है, वो लड़की जो है ना बेचारी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको, जब भी नॉमिनेशन में आती है उसको अटैक आ जाता है कि अब मैं करूं क्या, विक्की भैया को पकड़ूं या विक्की भैया से झगड़ा करूं या किस किस को पकड़ूं? तो जो मिलता है उसके टारगेट में वो ऐसा ही करने लगती है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, और नॉमिनेशन में आ भी गए हो तो आपको ऑडियंस भी बचाएगी, दूसरा घर में आप अच्छा कर रहे हो, शो में अच्छे उस चीज़ों के लिए हो आप, तो डेफिनेटली शो के मेकर्स भी बचाते हैं। मतलब कहते नहीं, बिग बॉस भी बोलते हैं कि मेरे घर के लिए जो अच्छा रहेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेटजी शो जब नॉमिनेशन का टाइम है तभी ऊपर क्यों आना है, ये बात सभी बोलते हैं, अंदर भी आपने देखा ही है। वो गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बेस्ट फ्रेंड भाई, इतना 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 प्यार, इतना प्यार कहाँ चला गया? मुनावर तो बेचारा कुछ नहीं हुआ उसका, बेचारा मनारा भी इधर उधर चुगलियाँ करना स्टार्ट कर दिया उसने, कैसे काम चलेगा? नहीं मुझे नहीं, मुझे पसंद नहीं है किसी की बॉडी, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। तुम कैसी दिखती हो, ऐसे ऐसे हाथ फेंकती हो, तो पहले अपनी चीज़ें देखो फिर मुनावर पे कमेंट करना स्टार्ट करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग था जो उसने कमेंट किया था, वो बाल नहीं है, वो कैसा है कैसा नहीं है, उसका बॉडी कैसा है, तुम्हारा बॉडी कैसा है, ये नहीं देखा आपने? तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बिल्कुल अब्यूज़ है। चिंटू सच में यार, वो सच में चिंटू है, मैं तो उसकी पहले मैं देखती थी वीडियो, जो बहुत बच्चे नहीं होते थे फ़नी फ़नी वीडियो बनाते थे, अब मैं चिंटू की वीडियो देखती हूँ, क्या ड्रामाबाज आदमी है भाई, बहुत ड्रामाबाज है वो, उसको पूरा दिन हंसाता रहेगा ईशा को। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ के लिए गए थे, चुम्मा चाटी के लिए और प्यार मोहब्बत दिखाने के लिए, और भी चीज़ें हैं ना आपकी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए, ये तो एक छोटा सा पार्ट होता है जो आदमी प्यार मोहब्बत की दिखाता है, ये तो छोटा सा पार्ट है, उसके बाद क्या कर रहे हो आप उस शो में? कुछ तो डालो इनपुट शो की, मतलब ऐसा निकलता जा रहा है और टाइम भी और कुछ कर नहीं रहे हो तो कैसे काम चलेगा? अभी नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा मुझे खुद भी नहीं पता रियली, मैं ऑलरेडी शूट कर रही थी, मुझे नहीं पता। हाँ मतलब मैं अभी दो एक देखा मैंने इसीलिए मैंने बोला, मैंने कहा ऐसा कुछ भी अभी रिस्पॉन्स नहीं आया, और आया तो फिर अलग तरीका हो जाएगा वो। मैं हकदार तो हूँ बट ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा तो मुनावर हैं ये लोग घर में शो चला रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो चेंज हो जाएगा, मेरा माहौल तो चेंज होगा डेफिनेटली, मैं नहीं चलने दूंगी किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं चलने दूंगी।
फिर मैं उसके लिए क्या कमेंट, मैं तो कुछ देखा भी नहीं है वो, नहीं नहीं क्योंकि उस शो में क्या है, मैं रियल बोलूँ वो लोग स्ट्रांग है बट प्ले नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक नया बंदा जाएगा ना उस शो में तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि कोई कनेक्टिविटी जितने लोगों में है ना ऑलरेडी बन चुकी है, और एक नए बंदे को आना वो, और फिर विक्की भैया जितना फुटेज देना है उतना ही देंगे, वो बोलते भी हैं बटेज मत दो, खाना मत दो, ये मत दो, वो मत दो, तो वो अलग है बट ठीक है, जो सर्वाइव कर सके तो वो जाना भी चाहिए, बट वो डिफ़िकल्ट तो है, और मेरा रहा तो फिर शो में नहीं चल पाएगा किसी का भी विक्की भैया है और ये लोग हैं, सोचते हैं कि स्ट्रेटजी जमा के ये सब चीज़ें कर लेंगे, वो नहीं हो पाएगा।